सेंसेशनल शमी और राहुल टेवटिया का अच्छा प्रदर्शन, गुजरात टाइटंस ने जीता मुकाबला 5 विकेटों से। और एक ट्रेंड देखने मिला कि आपका यंगस्टर ने हर मुकाबले में दिया अपना प्रदर्शन, ये मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दीपक हुड्डा, आयुष बुनिया, राहुल टेवटिया, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करना कर दिया शुरू। दुश्मंता चमीरा फिर सिर्फ 3 ही ओवर क्यों कराएगा, ये एक सवाल रहेगा क्योंकि आपका वो उन्होंने अच्छा गेंदबाजी किया था। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 3 विकेट लिया 25 रन देकर सिर्फ, और अच्छा गेंदबाजी की। वरुण आरण ने यहाँ पर 4 ओवर में 45 रन दिया, 2 विकेट लिया गुजरात टाइटंस की तरफ से। राशिद खान ने 4 ओवर डाल के 1 विकेट 27 रन देकर, हार्दिक पांड्या के पास ऑप्शन था 8 बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरे थे लेकिन सिर्फ उपयोग किया सिर्फ 5 का ही, ऐसा क्यों किया ये समझ नहीं आया मुझको। गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवर में जीता मुकाबला। सुमन गिल तो तीसरे गेंद में हो गए चलता। मैथ्यू वेड ने खेली एक ठीक ठाक पारी, आपका 29 बॉल में 30 रन बनाया। विजय शंकर ने 6 गेंदों में 4 रन बनाया, मौका था गवा दिया है मुझे ऐसा लगता है। हार्दिक पांड्या 33 रन बनाया 28 बॉल में। राहुल टेवटिया रन नॉट आउट 40 रन बनाया 24 गेंदों में, 2 छक्के 5 चौकों के बदौलत। और अभिनव मोनवाल भी 15 रन बनाया 7 गेंदों में, ये एक और यंगस्टर अच्छा प्रदर्शन किया ये मुकाबले में। अगर देखा जाए तो दुश्मंता चमीरा ने 3 ओवर में 2 विकेट लिया 22 रन देकर, आवेश खान ने 3.4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट चटकाया, रवि बिश्नोई के खाते में 1 भी नहीं था 4 ओवर में 34 रन चट दिए, कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 17 रन दिया 1 विकेट चटकाया, दीपक हुड्डा ने 3 ओवर में 31 रन दिया 1 विकेट चटकाया। तो राहुल मतलब पहले 6 ओवर में तो 44 रन बढ़ा गया था आपका गुजरात टाइटंस का भी, लेकिन जीता मुकाबला अच्छे से। और अब आज जो मुकाबला है वो है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल है राजस्थान। अब दोनों के सामने नया कप्तान, मतलब नया कप्तान नहीं, लास्ट सीजन में कप्तानी करते संजू सैमसन, और एक ही जो फॉरेन कप्तान, मतलब जो दूसरे जो फॉरेन कप्तान जो कल आज देखने मिलेगा केन विलियमसन की हैदराबादी की टीम कैसा करेगी प्रदर्शन, ये आज देखने वाला होगा। बात थोड़ी सी उस पर भी कर लेते हैं चर्चा, क्या होने की, क्या है उन लोग के पास, क्या है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, निकोलस पुरन, एडन माग्राम, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, डी नटराजन, उमरान मलिक, माइक्रो जेंसन, श्रेयस गोपाल, अच्छा है टीम। कार्तिक त्यागी भी है, प्रियंक पराग भी है, बहुत सारे यंगस्टर है, अपॉर्चुनिटी होगा आज कैसा करेंगे प्रदर्शन अगर यंगस्टर अगर अच्छा करें। मेरे हिसाब से जो आज टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा, ये बार भी यही ट्रेंड हमें देखने मिल रहा, आज भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा, जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा और युवाओं का वापस से रहेगा राज ये मुकाबले में, मुझे ऐसा लगता है। आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन, मैं हूँ आर्यमन गोयनका, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय बाय टाटा सी।